नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल मंडी पावर। आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों आज गैर बासमती चावल की बात करेंगे। तो गैर बासमती जो चावल है भारत से एक्सपोर्ट कितना हुआ है और सरकार ने इसके संबंध में क्या क्या कदम उठाए हैं। तो दोस्तों 2021 और 2021 में जो करीब 1,30,95,130 मीट्रिक टन एमटी गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया, जबकि 2019-20 में 50,56,246.58 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ था। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जो अनुप्रिया पटेल हैं उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जो राज्यसभा में जो जानकारी दी गई है कि 2018-19 और 19-20 और 20-21 में क्रमशः 74,47,922.45 एमटी और 50,56,246.58 एमटी और 1,30,95,130.21 एमटी गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया। इसके साथ ही गैर बासमती चावल जैसे कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने एक सतत प्रक्रिया है और उन्होंने बताया कि बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा के तत्वाधान में एक निर्यात संवर्धक मंच भी बनाया गया। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो वाणिज्य विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान कृषि निर्यात को ठीक रखने के लिए कई कदम उठाए दोस्तों। इनमें विभिन्न प्रमाण पत्रों की वैधता उनकी समाप्ति की तारीख से आगे बढ़ा दी गई। निर्यातकों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद और अन्य प्राधिकरणों ने ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। तो एक्सपोर्टरों के सामने आने वाली दिक्कतों को हल करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने संपर्क भी किया था। इन कोशिशों की वजह से भारत महामारी के कारण आने वाले अवरोधों से निपटने और कृषि एवं संबंधित उत्पादों के निर्यात में असाधारण वृद्धि दर्ज करने में सक्षम रहा है। चीन और वियतनाम में भी भारत से खरीदा जाता है चावल। एपीडा से जुड़ी बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन BEDF के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर रितेश शर्मा जी ने बताया कि कोविड काल में तो खुद दुनिया के बड़े चावल उत्पादक चीन और वियतनाम ने भी भारत से चावल इंपोर्ट किया है। जब कोरोना वायरस संक्रमण शुरू हुआ था तब यह माना गया था कि यह चीन के मानसार से फैला है। ऐसे में दुनिया के कई देशों में लोगों का रुझान शाकाहार की तरफ हुआ है और वर्ल्ड में चावल पहले से ही एक अहम आहार है। ऐसे में इसकी मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों जो भारत का जो गैर बासमती चावल है वो इस वर्ष सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है और विदेशों में जो चावल खाने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिसके कारण इंडियन चावल की डिमांड विदेशों में बनी है। तो दोस्तों इसके कारण चावल के भाव में भी तेजी और वृद्धि देखने को मिली है। तो ये थी दोस्तों चावल एक्सपोर्ट कितना किया गया 2020-21 में अभी तक, उस पर पूरी रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।